हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड सभी को प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए बैंगन कितने खूबसूरत लग रहे हैं और देख के आपको भी लगाने का मन कर रहा होगा। तो चलिए मैं आज आपको बैंगन के बारे में ही बताने वाली हूँ कि बैंगन कैसे ग्रो करें, किस तरह से ग्रो करें, किस तरह का कंटेनर चूज करें और मिट्टी कैसे बनाएं। तो बस बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है ये प्लांट। एक बार लगा दे तो आपके गार्डन से जाएगा भी नहीं और ये सालों साल फल देने वाला ये प्लांट है। जैसे सदाबहार होता है ना, हमेशा फूल खिलता है, उसी तरह एक बार बैंगन लगा देंगे तो आपको साल भर फ्रूट इसमें मिलेगा, फ्रूटिंग होती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले मिट्टी की बात कर लें। इसके लिए मिट्टी आपको लेनी है 50% आपको गार्डन सॉइल ले लीजिए, उसमें 40% आप वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग ले लें, 10% में आप ले लें ये नीम की खली डाल सकते हैं, बोनमील वगैरह डाल सकते हैं। नहीं तो अगर कुछ नहीं डालना है तो सिंपल आप मिट्टी और खाद मिला के भी आप बना सकते हैं सॉइल मिक्सचर। तो कंटेनर की बात करें तो आप 16x16 का ग्रो बैग ले सकते हैं। और मेरा कंटेनर तो देखिए क्यारी जैसा है, क्योंकि मेरे घर में बन जाता है आसानी से, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल फर्नीचर वगैरह बनते हैं तो मैंने अपने हिसाब से कंटेनर वगैरह बनवाए हैं। तो जो कंटेनर लंबी क्यारी जैसे कंटेनर होते हैं ना, उसमें कोई प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा खुला खुला फीलिंग होता है। और जैसे आप ग्रो बैग से या गमले वगैरह लीजिए ना, तो थोड़ा सा छोटा हो जाता है वो, थोड़ा सा उसकी रूट वगैरह वेंटिलेशन वगैरह अच्छे से जो भी है नहीं हो पाती है। और कंटेनर जो बड़ा साइज का होता है ना, इसमें एक साथ 3-4 पौधे आप लगा देना तो वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव भी करता है। और बैंगन की वैरायटी की बात करें तो बैंगन की वैरायटीज़ भी बहुत होती है। गोल बैंगन जो भरते वाला बैंगन होता है, या भरवा बैंगन जो लंबा होता है, ग्रीन बैंगन, बहुत सारी बैंगन की वैरायटीज़ भी होती है। तो आप अपने हिसाब से पसंद करके लगा भी सकते हैं। और बैंगन को सीड से उगाएँ कि पौध ला के लगाएँ, तो अगर मेरा मानना है कि अगर आपको लगाना है तो सबसे अच्छा है आप पौधे लेके लगा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि सीड लगाएंगे तो उसमें आपको 20 से 25 दिन का समय भी लगेगा और वो कॉस्टली भी पड़ता है सीड, और जर्मिनेशन कैसा होगा ये भी नहीं पता। सीड अगर अच्छा नहीं हो तो जर्मिनेशन भी अच्छा नहीं होगा। तो सबसे अच्छा है कि आप पौधे ला के लगा लें। ये देखिए मेरे पास कुछ सीड था बैंगन का, तो मैं आपको बता रही हूँ कैसे लगाना है। इस तरह से आप सीड लें और मिट्टी अच्छे से बना के उसमें स्प्रिंकल करके दें, ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर दें, इसके बाद आपको पानी दे देना है। 20 से 25 दिन में आपकी पौध तैयार हो जाएगी। तो उसको भी आप एक एक पौधा या दो दो पौधा एक एक गमले में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और 2 महीने के बाद आपको, 1.5 से 2 महीने के बाद आपको फ्रूटिंग मिलने लगेगी। बीच बीच में आपको उसको फर्टिलाइज़र भी देते रहना है। और बैंगन का जो प्लांट है वो फुल सनलाइट मांगता है, तो आपको उसको फुल सनलाइट में भी रखना है और बीच बीच में उसकी निराई गुड़ाई करते रहें, तो आपको वो फ्रूटिंग अच्छे से करेगा। तो इस तरह से आप भी बैंगन का पौधा ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप सबसे अच्छा नर्सरी जाइए, पौधे ले आइए और अच्छी मिट्टी बना के 16x16 इंच का कंटेनर लेके उसमें आप लगाएं और खूब ढेर सारे बैंगन हार्वेस्ट करें आप भी, और ऑर्गेनिक बैंगन उगाएं, ऑर्गेनिक बैंगन खाएं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप भी बैंगन आसानी से लगा सकते हैं। बैंगन उगाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, गार्डनिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी है। हर व्यक्ति धीरे धीरे कोई काम करता है तो सीख जाता है। तो अगर आप भी शुरू करना चाहते हैं तो शुरू करें और आप भी धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि गलतियाँ करते करते ही आदमी सीखता है। तो इस तरह से आप भी बैंगन ग्रो कर रहे हैं।